ये फ्रेम मैंने 65 इंच का लिया और ये ऊपर वाला राउंड 18 इंच का है, और कपड़ा काटने के टाइम 4 इंच ज़्यादा काटना पड़ता है। 18 + 4 = 22 इंच, 22 इंच का होगा अभी कपड़ा काटेंगे। और जो लंबाई है वो आपके ऊपर है, आप कितना रूल दोगे, जितना रूल दोगे उतना लाइन खींचना पड़ेगा, उतना इंच प्लस होगा। 5 मैंने इस पे से 5 ही रूल दिया, तो 5 लाइन खींचे इसलिए 5 इंच प्लस की। तो आप चाहो तो 6 रूल दे सकते हो, तो 6 लाइन खींचना पड़ेगा तो 6 इंच प्लस होगा, और 1 इंच तो हमेशा ही प्लस होगा, 1 इंच ज़्यादा लेने ही पड़ेगा, वो सिलाई में चला जाता है 1 इंच। बीच वाला मेजरमेंट ले लिया, 14 इंच करके 5 लाइन खींच लिया। आप चाहो तो 10 इंच करके भी खींच सकते हो, 11 इंच करके भी खींच सकते हो, आपके ऊपर है। अब जितना लाइन दोगे उतना इंच जोड़ना है आपको, जितना लाइन खींचोगे उतना ही इंच ज़्यादा जोड़ना है। ये रस्सी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, ये नॉर्मल साइज़ का ही है, और हमने जो लाइन खींचा था उस लाइन पे ही रस्सी को रख के सिला रहे उल्टा करके कपड़े को। आपको भी इस तरह से सिलाई करना है। और 1 इंच जो ज़्यादा लिया था कपड़ा वो इस सिलाई के अंदर चला जाता है, रस्सी ने पूरा 1 इंच खा लिया, इस कारण 1 इंच ज़्यादा लेना पड़ता है हमें कपड़ा। हर एक लाइन को सिलाई करने में 1-1 इंच का माइनस हो जाएगा कपड़ा। आपको कोई एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और इस तरह से फ्रेम पे रख के पूरा मेजरमेंट ले लेना है इसका, मतलब जिस साइज का है ना उस साइज का एक काट लेना है पूरा बराबर। चलो ये मेजरमेंट लेके एक कपड़े को उल्टा और एक सीधा करके इसको इस तरह से फिट किया, नीचे से 1.5 इंच, ऊपर से भी 1.5 इंच, और सामने से 2 इंच, पीछे से भी 2 इंच, इस तरह से राउंड बना लिया पूरा। ज़्यादा एक्स्ट्रा लेके 1.5 इंच नीचे से, ऊपर से भी 1.5 इंच, और ये सामने से 2 इंच आपको ले लेना है। थोड़ा बड़ा करके इस टाइप का राउंड बना के कपड़े को काट लेना है आपको। ये राउंड वाला जो कट के लाया कपड़ा उसको उल्टा करके अब इसका सिलाई कर लेना है पूरा अच्छे से एक साइड से। थोड़ी देर पहले जो 5 इंच रूल के लिए लिया उसके बाद 1 इंच ज़्यादा प्लस किया था वो इस सिलाई के कारण, इस साइड से आधा इंच खाएगा और दूसरे साइड से और आधा इंच खाएगा, टोटल 1 इंच खा जाएगा ये कपड़ा। काम खत्म हो गया, चलो देख गया। अभी दूसरे साइड का माप लेंगे, ये है 13 इंच और हमें 4 इंच और जोड़ना है इसके साथ, 17 इंच टोटल, ये 17 इंच चौड़ा और 71 इंच ही लंबा, सेम टू सेम ही देना है क्योंकि ये दोनों साइड से 2.5 इंच या 3 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा रखना पड़ता है फिटिंग करने के लिए।
इसको अच्छे से काट ले, इसको भी 14 इंच पे इस तरह से जिस तरह से मैं लाइन खींच रहा हूँ उस तरह से क्रॉस बना लेना है पूरा बीच में। अभी इस पे फॉर्म को चिपकाएंगे और ऊपर से एक पतला कपड़ा से भी इसको चिपका लेंगे पूरा। ये सिलाई के काम आएगा। लाइन बराबर सिलाई कर लेना। एक लाइन से दूसरा लाइन 1 इंच का गैप में टाइम लगता है सिलाने में, लेकिन वीडियो को मैंने बहुत जल्दी कर दिया स्पीड में। चलो इसका काम भी खत्म हो गया। अब इसको करते हैं साइड, इसके बीच में बैठेगा डायमंड, ये 21 इंच, और सामने से 7 इंच, और टोटल हमें 31 इंच का लेना है। ये 31 इंच और लंबाई भी लेना है 77 इंच, 77 इंच, क्योंकि 65 का तो गद्दा आएगा और दोनों साइड से 6 इंच 6 इंच ज़्यादा कपड़ा रखना पड़ता है। टोटल 77 इंच का लेना पड़ेगा ये आपको। ये सामने से 7 इंच और साइड से 6 इंच लेना है हमें। 6 इंच थोड़ी देर पहले एक्स्ट्रा जो 6 इंच लिया वही है। ये वाला हिस्सा गद्दा है ना जो बैठने वाला, उसके कोने के लिए पूरा कॉर्नर पे सेट होगा, उसको सिला के कॉर्नर बनाना है हमें। और ये सब आपके ऊपर है, आपका मर्जी जितना इंच का देना चाहते हो। फिर से एक फॉर्म लिया और उसको भी हम ग्लू से चिपका लेंगे। बीच में फॉर्म होगा और दोनों तरफ से कपड़ा चिपकाएंगे। उल्टा करके पीछे से पतला वाला कपड़ा चिपका लिया, अब इसको भी सिलाई करेंगे। ये सीट का कपड़ा है और ये गद्दे का कॉर्नर है। ये एक तरफ से 6 इंच काटा, एक तरफ से 7 इंच काटा ना, वही वाला साइड है। एक तरफ से 7 इंच, एक तरफ से 6 इंच का कपड़ा है। 7 इंच वाला सामने से रहेगा और 6 इंच वाला साइड से अंदर छुप जाएगा। वो हैंडल लगाऊंगा ना इसके बाद फ्रेम पे, तो ये छुप जाता है। इसका माप ले लिए, ये तो 7 इंच 2 धागे का था, ये 9 इंच का है। और हमें कपड़ा लेना है दोनों तरफ से 3-3 इंच ज़्यादा, एक तरफ से 10 इंच और एक तरफ से 12 इंच। फ्रेम का मेजरमेंट जिस साइड से 9 इंच है उस साइड से लिए हमने 12 इंच, और जिस साइड से 7 इंच है उस साइड से लिए हमने 10 इंच। और हमें 10 और 12 इंच का 4 पीस चाहिए। कपड़े के पीस को लेके अभी उसकी भी सिलाई करेंगे। ये जो लंबा साइड है ना 12 इंच, उस साइड से सिलाना पड़ता है उसको। हमने जो हैंडल बनाया उसको कपड़े के ऊपर रख के उसका पूरा मेजरमेंट ले लिया। नीचे से और साइड से 2-2 इंच छोड़ दीजिए, या नीचे से 1.5 इंच साइड से 2 इंच छोड़ना है। जो मेजरमेंट लिया ना उसको भी 1 इंच छोड़ छोड़ के पूरा चारों तरफ से काटना पड़ेगा। हमेशा एक कपड़ा सीधा काटेगा और एक कपड़ा उल्टा काटेगा, इसकी ध्यान रखना है आप।
ये उल्टा करके दूसरे साइड का भी काट लेते। ये बाहर की तरफ रहने वाला हैंडल का कपड़ा है, अभी अंदर साइड का दिखाएंगे। अंदर वाला साइड के लिए मेरे जैसा मत काटो, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। उसके लिए मैंने कपड़ा ख़राब कर दिया। कोई भी दो टुकड़ा ले लो, चल जाएगा। इस तरह से बीच में काट लो कोई भी टुकड़ा। एक मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया, और कोना वाला एक टुकड़ा ले लिया। ये वाला कपड़ा सोफे का सामने वाला हिस्से में लगेगा। ये लंबाई 77 इंच का है और चौड़ाई 9 इंच का है। ये तो हैंडल में लगने वाला दूसरा हैंडल है। ये चारों तरफ से 2-2 इंच ज़्यादा करके ले लिया कपड़ा कदम उसका। अभी हम इस हैंडल का मेजरमेंट लेंगे। ये हमारे इधर का तो 90 इंच का आता है ये वाला हैंडल। सारे हैंडल एक जैसा नहीं है, हर एक जगह का हैंडल हर एक तरह का होता है, थोड़ा ज़्यादा भी होता है, लंबा भी होता है। ये 90 इंच का है तो दो हैंडल है, 180 इंच होगा टोटल। तो अभी ये दूसरा कलर का कपड़ा ले लेंगे। अब सेम कलर का भी कपड़ा ले सकते हो या थोड़ा अलग टाइप का भी। ये 3 इंच करके पूरा कपड़े का पीस कर लेंगे। 4 पीस चाहिए हम, क्योंकि ये 50 इंच करके एक पीस है, तो 4 इंच चाहिए 200 इंच बनाने के लिए। हमें चाहिए 180 इंच। ये थोड़ा मोटा वाला रस्सी लेना पड़ेगा आपको उसके लिए। सेम रस्सी ना मिले तो कोई बात नहीं है, भेड़ बकरी को बांधने में यूज़ होता है ना, उस टाइप का रस्सी से भी आप बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं। थोड़ा सा ही मोटा है, किसी भी रस्सी ले सकते हो आप। और भाई एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया, भाई आपने तो 3 सीटर का दिखा दिया लेकिन सिंगल का नहीं दिखाया। ये सेम टू सेम ही होगा पूरा, सिंगल सीटर का। सिर्फ आपको 65 का था, अभी 22 इंच का बनाना है। और उसके लिए जो मैंने बॉडी 2 बनाया था वो आपको 6 बनाना है, हैंडल भी 6 ही बनाना है। और आपको लकड़ी, बीज वाला लकड़ी लेना पड़ेगा 20 इंच का। तो दोनों साइड से 1-1 इंच प्लस होने के बाद ये 22 इंच का होगा। इतना ही है, 15 लकड़ी ले लो एक सिंगल बन जाएगा, 30 लकड़ी ले लो 2 सिंगल बन जाएगा। सिर्फ 20 इंच का लकड़ी लेना है और ये 22 इंच का बनेगा। आपको ध्यान रखना है कि हम सिंगल जो हो ना वो 22 इंच का ही बनता है। जिन जिनको काम आता है उन लोगों को पता है, और जिनको नहीं आता उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई।